जनरली रेनो सीरीज जो होती है किस चीज के लिए जानी जाती है, लुक्स, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सब चीजों में अगर मैं 10 प्रो के साथ कंपेयर करूं तो इसमें थोड़ा अपग्रेड है। नहीं, डिस्प्ले के बारे में नहीं कहूंगा, बट बाकी सब चीजों में अपग्रेड है। सब कुछ बताने वाला हूं आज के वीडियो में, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। वैसे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतने सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं, इतने सारे इंटरेस्टिंग फोन्स लॉन्च हो रहे हैं अगले कुछ दिनों में, सबके वीडियोस आने वाले हैं, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए लेट्स ओपन। सिल्वर एंड व्हाइट बॉक्स है, 11 लिखा हुआ है, बड़ा बॉक्स है, अच्छा लगता है। जी हाँ, ऑलराइट, सबसे पहले एज यूजुअल डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल एंड केस है। केस की क्वालिटी अच्छी है, गुड टीपीयू केस। And this is the phone. जी हाँ, Oppo Reno फोन आप हाथ में लोगे तो आपको पता चलता है कि ये this is the phone. Light weight है, पतला है, very nice. Okay, बड़ी सी brick है, very familiar. जी हाँ, 80 watt charging आती है, 80 watt charging की brick आती है, USB type A to type C cable है. That's about it. Let's keep this aside. देखते हैं फोन के पास, वो सबसे important है. Alright, Oppo Reno 11 Pro. Look at this. अरे बाप रे, तो ये कैमरा मॉड्यूल देखिए, आई मीन फोन्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं क्लियरली आपको पता चल रहा है। लुक एट दिस कैमरा मॉड्यूल, पूरा ऐसा शाइनी स्टीली मैं कहूंगा, एंड बड़ा भी है ये देखिए। या When you do this, ये होने वाला है क्योंकि बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। कैमरा में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वेट फॉर दैट, बट डिजाइन देखिए इसका, डिजाइन इज ऑल्सो शिमरी डिजाइन है। इसमें रॉक ग्रे कलर भी आता है, हमारे पास ये व्हाइट है, रॉक ग्रे कलर भी है डार्क अगर आपको चाहिए तो। ओप्पो कहता है ये ट्रिपल लेयर्ड ग्लॉस डिजाइन है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आने वाले, ऑब्वियसली ग्लास बैक है सो नो प्रॉब्लम्स, प्लास्टिक फ्रेम है। चलिए थोड़ा मजा लेते, आवाज आना चाहिए। ओ यस, वेरी नाइस। इन हैंड फील जबरदस्त है, थोड़ा स्लिपरी जरूर कहूंगा बट हल्का है और बहुत ही पतला है। कर्व डिस्प्ले है दोस्तों, एंड इट इज लाइट वेट, मेरे हिसाब से 180 ग्राम्स या 183-184 ग्राम्स, लेट्स सी 180.9-181 ग्राम्स। आई एम गेटिंग बेटर विद दिस अनबॉक्सिंग सीजन। जी हाँ, 181.9 मतलब 181 ग्राम्स है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट। लुक्स प्रीमियम, गिरा के देखते हैं। वैसे प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है बट आई थिंक ड्रैगन ट्रेल वगैरह होगा, जो भी है दोस्तों गिरा के जरूर देखते हैं। 1, 2 एंड बूम, एंड दिस इज नाइस 3.5-4 फीट। 1, 2 एंड कुछ नहीं, ये कैमरा जो है ये मेटल का है दोस्तों, जो मेटल केसिंग वगैरह, सो लुक्स वेरी नाइस यार, बढ़िया दिखता है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो स्पीकर ग्रिल आता है, यूएसबी टाइप सी है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ दोस्तों आयर ब्लास्टर भी मिलता है, एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, एंड पावर ऑन ऑफ बटन है। चलिए लेट अस स्टार्ट द फोन। वैसे जब तक स्टार्ट हो जाता है सिम कार्ड ट्रे टेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। यस, ये है ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला ये डिस्प्ले है। 950 निट्स ब्राइटनेस है, और इस टाइम दोस्तों 10 बिट डिस्प्ले आ गया है, एचडीआर 10 प्लस का भी सपोर्ट आता है, सो 10 बिट इज एन अपग्रेड, पहले 8 बिट था अब 10 बिट आ गया। वो ये इसके बेजल्स देखिए दोस्तों, मतलब साइड के बेजल्स नॉन एग्जिस्टेंट है बिकॉज कर्व्ड डिस्प्ले आता है, और फिर उसके नीचे बेजल्स है, बहुत ही पतले बेजल्स है। 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, चिन भी मैं कहूंगा पतली है। ओवरऑल इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले, वेरी नाइस। इसका जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो 950 निट्स है, पिछले बार भी 950 था, उसमें अगर थोड़ा अपग्रेड हो जाता तो अच्छा होता, बट यस 950 निट्स ब्राइटनेस इज डीसेंट, मतलब बाहर भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बट ज्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये आता है डायमेंसिटी 8200 इस प्रोसेसर के ऊपर, जिसका अंतुदु स्कोर 1 मिलियन के करीब आता है, सो दैट इज रियली गुड। और अगर 10 प्रो के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 778 था, तो जिसका स्कोर 5.5-6 लाख वगैरह आता था, तो नियरली परफॉर्मेंस में 80-90% से इंप्रूवमेंट है। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई, क्योंकि इसमें LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो उधर कॉर्नर्स कट नहीं किए। UFS 4.0 होता तो अच्छा होता, बट या आई मीन अगेन आई थिंक इट इज अ गुड अपग्रेड। 4600 mAh की बैटरी है एंड 80 वॉट चार्जिंग है, 27-28 मिनट में 0-1 to 100% हो जाता है, सो दैट इज गुड। एंड 4 NM प्रोसेसर है दोस्तों, तो बैटरी थोड़ी छोटी है फिर भी दिन भर आपको जाएगी
नॉर्मल मॉडरेट यूसेज में। वैसे इसे 48 मतलब 4 साल का फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसका मतलब बेसिकली अगले 3-4 साल तक फोन जो है आपका फ्लुएंटली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इधर मैं बात कर रहा हूँ 4 साल की, तो बता दूं कि 3 साल के आपको अपग्रेड मिलने वाले हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 है जो बेसिकली उसके ऊपर कलर OS 14 आता है। प्री इंस्टॉल्ड एप्स है जो अनइंस्टॉल कर पाओगे, हॉट एप्स हॉट गेम्स वगैरह नहीं है। बट OS के फीचर्स एंड कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको, उसके पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि BGMI 60 न्यू स्टेट आप 90 FPS पे खेल पाओगे। हाँ, आउट एंड आउट गेमिंग नहीं है ये जो फोन है दोस्तों, लोग प्रीफर करते हैं लुक्स, कैमरा, डिस्प्ले, ये जो चीजें ये इंपॉर्टेंट जिन्हें होती है वो ओप्पो रेनो सीरीज खरीदते हैं। एंड दिस वन इज नो डिफरेंट, मतलब वो जो लीगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो एक शॉर्टकट के लिए फाइल डॉक नाम का फीचर है जहां पे आप रिसेंट एप्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो बहुत ही इजीली। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी फीचर है। एंड और एक फीचर आता है स्मार्ट इमेज मैटिंग नाम का, इतना कॉम्प्लेक्स नाम क्यों दिया है पता नहीं, बट बेसिकली एक फोटोग्राफ लिया आपने, लॉन्ग प्रेस किया, तो उसका अगर स्टिकर बनाना है आपको, ये पहले भी आया हुआ है दूसरे फोन्स में, तो ये जो फीचर है वो भी इसके अंदर है। वैसे कलर OS इज अ वेरी गुड स्किन, वेरी गुड UI, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बहुत सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। और इस टाइम और भी 2-3 नए AODs आ गए आपकी कार्बन फुटप्रिंट वगैरह चेक करने के लिए, मतलब जो भी आप करते हो उस हिसाब से वो दिखाता है कि कितना आपका कार्बन फुटप्रिंट है। ओवरऑल नाइस। और एक चीज आता है, फैंसी वर्ड्स बट हाँ, ट्रिनिटी इंजन नाम का एक फीचर आता है जो बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका जो यूसेज है वो देख के आपके फोन को ऑप्टिमाइज करता है। जी हाँ, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट हैज गॉट दैट 4-year फ्लुएंसी टेस्ट की वो फ्लुएंसी रखने के लिए ये ट्रिनिटी इंजन का इस्तेमाल होता है। सो या नाउ कैमरा, जी हाँ, कैमरा हाईलाइट है एंड आई एम हैप्पी। पिछले टाइम रेनो 10 प्रो में बताया नहीं था कि कौन से सेंसर से, पता ही नहीं था। इस टाइम दोस्तों पीछे के 3 आगे वाला 1 चारों सेंसर जो है सोनी के। इनफैक्ट जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी IMX890 सेंसर है। 32 MP का जो टेलीफोटो है दोस्तों दैट इज सोनी IMX709 विच इज सेम इन द फ्रंट। जो सेल्फी सेंसर है वो भी IMX709 है। और जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है वो सोनी का IMX355 सेंसर है। सो या ऑल 3 सेंसर एट द बैक एंड फ्रंट आर सोनी। वैसे IMX709 के बारे में बता दूं कि ये RGBW सेंसर है, वाइड भी है, तो वो ज्यादा लाइट सेंसिटिव हो जाता है, तो ज्यादा क्लियरर इमेजेस वगैरह निकालता है, लो लाइट में ज्यादा अच्छे फोटोज निकालता है। वैसे अगर फोटोज के बारे में बात करूं, हमने बहुत सारा टेस्टिंग किया, बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले। यू नो व्हाट, आई रियली लाइक द कलर्स। कलर्स जो है बहुत अच्छे आते हैं, क्लैरिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। स्पेशली क्लैरिटी के बारे में बताना चाहूंगा क्यों इतने क्लियर फोटोज दिखते हैं, क्योंकि रॉ इमेजेस को वो स्टैक करता है और फिर डीनॉइजिंग वगैरह करता है। सो देयर टेक्नोलॉजी इज चेंज्ड अ बिट व्हिच मेक्स फोटोज मच क्लियरर। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, पोर्ट्रेट्स आर सम ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन। पोर्ट्रेट्स स्पेशली आप निकालोगे तो इसमें एसेंशियली हाइपरटोन इमेजिंग इंजन आता है, जिसकी वजह से वो जो टोन्स है आपके फेशियल टोन्स वगैरह, स्किन कलर्स वगैरह, वो एक्यूरेट देता है। ओवरऑल एक्सीलेंट। इवन एज डिटेक्शन वगैरह के बारे में बात करूं, पोर्ट्रेट में वो इंपॉर्टेंट होता है, इट इज क्वाइट डिसेंट। सो ओवरऑल वेरी नाइस। डायनेमिक रेंज अच्छी है, जनरली ओप्पो के जो फोन होते हैं डायनेमिक रेंज अच्छी होती है, दिस वन इज नो डिफरेंट। और आपको अगर सभी फोटो जो हमने निकाले हुए जो मैं कह रहा हूं वो देखना है ओरिजिनल क्वालिटीज में, जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटीज में फोटो स्टोर किए हुए, जरूर जाके देखिएगा। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, सभी जो सेंसर्स है फ्रंट एंड बैक 4K 30 FPS शूट करते हैं। सो या 4K 30 FPS है, तो अगर आपको इसेंशियली व्लॉगिंग वगैरह करनी है फ्रंट कैमरा से, यू कैन डू इट। इनफैक्ट मैंने पोर्ट्रेट के बारे में बताया, लेट मी क्लिक अ पिक्चर राइट हियर और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लेट्स सी, आई एम क्लिकिंग अ नाइस पिक्चर। पोर्ट्रेट भी निकालते हैं, देखते हैं 1x। वाइड भी है, नॉट बैड। इसकी क्लैरिटी अगर आपको दिख रही है तो देखिए, वैसे मैंने जैसे कहा कि ओरिजिनल क्वालिटी में मैंने स्टोर किए हुए ये फोटोज, जरूर देखिएगा। फोटोज इसेंशियली एंड वीडियोग्राफी ऑल्सो जबरदस्त है। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, कैमरा फीचर्स है, प्रो मोड है, वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स, ड्यूअल व्यू वीडियो आता है, टेक्स्ट स्कैनर है, स्टिकर है, नाइट मोड है, हाई रेजोल्यूशन मोड है, PNG मोड है, पैनो मोड है, सॉरी PNG नहीं, पैनो, पैनोरामिक मोड है। सो फीचर्स जो भी आपको एक कैमरा में चाहिए सब कुछ है इसके अंदर। वैसे एक चीज दोस्तों, इसमें जूम आता है 2x ऑप्टिकल जूम है एंड 5x जूम है जो बेसिकली जूम करता है एंड लॉसलेस आपको जूम देता है। सो दैट इज देयर। और एक बात भूल गया, आई मीन देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट कैमरा। ऑटो फोकस फ्रंट सेल्फी में ऑटो फोकस आता है। जनरली अगर इस प्राइस रेंज में ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा नहीं मिलता है, फिक्स फोकस होता है, इसमें ऑटो फोकस है। ओवरऑल कैमरा आई विल से फ्रॉम फीचर्स पर्सपेक्टिव, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव, जी हां, वो जो लीगेसी है गुड कैमरा ऑन रेनो सीरीज, दिस कैरीज ऑन।
एंड गोज वन स्टेप फॉर। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। जी हाँ, ओप्पो रेनो सीरीज आप लेते हो तो डिस्प्ले, ऑडियो, वीडियो क्वालिटी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं दोस्तों, विच आर लाउड, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। जैसे मैंने कहा ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा होता, बट कलर्स वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का 10-bit डिस्प्ले है। सो मल्टीमीडिया में आपको मजा आने वाला है। वैसे HDR प्लेबैक भी है, YouTube, Netflix पे HDR प्लेबैक भी आपको मिलेगा। तो यार सेंसर्स ऑल ऑफ देम आर देयर, जी हाँ, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, सभी सेंसर्स आते हैं, सभी बहुत अच्छी तरह से फास्ट चलते हैं, नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो 12 5G बैंड्स का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 आता है, डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, सब कुछ है दोस्तों, कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल आते हैं। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, आई डोंट थिंक FM रेडियो है इसके अंदर, नहीं FM रेडियो नहीं है। वैसे इसमें बैटरी हेल्थ इंजन का भी सपोर्ट आता है, विच इंश्योर्स दैट योर बैटरी इज हेल्दी अप टू 1600 साइकिल्स। इसका मतलब क्या है, 4-5 साल आप आराम से इस्तेमाल कर पाओगे विदाउट बैटरी डिग्रेडिंग टू मच। सो या दैट इज देयर। वैसे ये जो फोन है ये 4-5 साल चलेगा, लेकिन आपका फोन कितना पुराना है, आप कितने साल इस्तेमाल करते हो, अभी जो फोन है आपके पास कितना पुराना है जरूर बताइएगा, और बैटरी की क्या सिचुएशन है वो भी बताइएगा जरूर। वैसे कनेक्टिविटी में एक चीज बताना भूल गया, इसमें और एक फीचर आता है दोस्तों लिंक बूस्ट नाम का। सो आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह है, इट कीप्स इट स्टेबल, बूस्ट करता है तो ज्यादा क्लियरली आवाज वगैरह सुनाई देती है, ड्रॉप कॉल्स वगैरह नहीं होते। सो On that is there. एक दो छोटी छोटी चीजें नहीं है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल IP रेटिंग नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, नॉट दैट आई एक्सपेक्ट, बट ठीक है वायरलेस चार्जिंग नहीं है, इट इज ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं, नो वायरलेस चार्जिंग, नो IP रेटिंग। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस आने वाली है, अभी जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे प्राइस पता नहीं है, डेफिनेटली अंडर 35,000 to 40,000 की प्राइस रेंज में होने वाला है। इसमें एक ही वेरियंट आता है, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज का। अगर मैं ओप्पो रेनो सीरीज के बारे में बात करूं, डेफिनेटली मतलब आउट एंड आउट दिस इज अ रेनो सीरीज फोन, ग्रेट कैमराज, ग्रेट लुक्स, एक्सिलेंट डिस्प्ले, अब परफॉर्मेंस भी 8200 की वजह से अच्छा हो गया। सो ओवरऑल अब थम्स अप टू ओप्पो रेनो 11 सीरीज, स्पेशली जो ओप्पो के फैंस है दोस्तों, दे आर गोइंग टू लाइक ओप्पो रेनो 11 प्रो। चलिए दोस्तों कैसे लगा वीडियो, अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ओप्पो के फैंस है, डू इट राइट नाउ। वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। वैसे दोस्तों जैसे मैंने कहा इधर स्टूडियो में बहुत सारे लोगों के फोटोज निकाले हुए हैं, लुक एट दिस पोर्ट्रेट के लिए, दिस इज ब्यूटीफुल। ये हमारा टॉम क्रूज है, हमारे ऑफिस में हम उसे टॉम क्रूज कहते हैं, उसके फोटोज है ये देखिए। वैसे ये सभी फोटोज आपको देखने हैं दोस्तों तो जी ड्राइव के लिए। ओह लुक एट दिस, ये और एक हीरो है हमारे इधर, तेजस। ऑलराइट तो